मकई मुंगेर की। इस कविता को सुनाने से पहले मैं ये साझा करना चाहूँगी कि थोड़े समय पहले गत वर्ष नवंबर में मुंगेर में मुझे एक सम्मान मिला था, जिसकी मुझे बेहद खुशी है। मेरी कविता पुस्तक बहस पार की लंबी धूप को मुंगेर में मथुरा प्रसाद गुंजन स्मृति सम्मान मिला था, जिसके लिए मैं उन तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूँ और अपनी खुशी आपके साथ बांटती हूँ। और इसलिए मकई मुंगेर की पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा सुखकर है और भी ज़्यादा प्रीतिकर है। हालांकि मैं मुंगेर पहुँची, कार्यक्रम के शामियाने में पहुँची, उनके घर गई और रात को डिनर के बाद निकल गई। कितना अच्छा होता कि हम लोग थोड़ा रुकते, तो ये प्लान नहीं किया। ढाब और दियारे में सरलता से बोई जाती, ढाब और दियारे में सरलता से बोई जाती, आवश्यकता है नहीं आड़ या रड़ेड़ की। बाढ़ से बची तो भार दुख का समेटती है, आवश्यकता है सिर्फ थोड़ी सी अहेर की। हाँ, जो बाजार में सरलता से मिल जाती, कभी तीन और कभी साढ़े तीन शेर की। इसी को दर दर उबाल लो, सिझाओ भार, बासमती से है बढ़ी मकई मुंगेर की। है ना, मकई की फसल पर, भुट्टे के दानों पर, भात की कमी के दिनों में एक कविता है, मकई की महिमा जिसमें बताई गई है। फिलहाल मकई एक बड़ा राजनैतिक अन्न या फल हो रहा है। पॉपकॉर्न जिसे हम कहते हैं, वो भी मकई से बनता है। मक्के की रोटी बहुत प्रसिद्ध है सरसों के साग के साथ, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें हैं। गुल मकई एक संग्रह है एक कवि का, और गुल मकई शायद मलाला यूसुफजई को कहते हैं, जिन्हें स्कूल जाने की हिमायत करने पर तालिबान ने गोली मारी। तो मकई मुंगेर की गर्ख जल्दी से पढ़ देती। ढाब और दियारे में सरलता से बोई जाती, आवश्यकता है नहीं आड़ या ढड़ेर की। बाढ़ से बची तो भार दुख का समेटती है, बाढ़ से बची तो भार दुख का समेटती है, आवश्यकता है सिर्फ थोड़ी सी अहेर की। हाँ, तो बाजार में सरलता से मिल जाती, कभी तीन और कभी साढ़े तीन शेर की। इसी को दरर के उबाल दररना कहते हैं, जाते में जो यूं दर्री जाती है चीज़ें, उसको भी दररना कहते हैं। इसी को दरर के उबाल लो, सिझाओ भार, बासमती से है बढ़ी मकई मुंगेर। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।